सुपरस्टार सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म अंतिम आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में दबंग खान पहली बार अपने बहनोई आयुष शर्मा के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आ रहे हैं। इसमें सलमान खान और आयुष शर्मा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। फिल्म की एक्ट्रेस महिमा मकवाना है। सलमान ने इस फिल्म को प्रमोट करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। सलमान ने एक ऐसा ही प्रमोशनल वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें वह अपने बॉडीगार्ड शेरा के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो में शेरा सलमान खान के ठीक पीछे खड़े दिखाई देते हैं। इस दौरान बॉडीगार्ड शेरा सलमान खान के पीछे उनकी फिल्म अंतिम का धमाकेदार डायलॉग बोलते नजर आते हैं। बॉडीगार्ड शेरा कहते हैं, जिस दिन इस सरदार की हटेगी ना, उस दिन सबकी फटेगी। आज इस सरदार की हट गई है। तू तो गया, तेरा तो काम हो गया बेटे। जिस दिन इस सरदार की हटेगी ना, सबकी फटेगी। आज इस सरदार की हट गई है। पहले इसने ये करके किया था ना? नहीं नहीं मालिक, ये सरदार बोला था, ये सरदार की हटेगी। आज तो ये गया। यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले मुंबई में एक स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। इस स्क्रीनिंग में बॉलीवुड के कई बड़े सेलिब्रिटी शामिल हुए। सुपरस्टार सलमान खान भी स्क्रीनिंग में अपने दबंग अंदाज में पहुंचे। उन्होंने अपने फैंस के साथ मिलकर तस्वीरें भी खिंचवाई। अंतिम के निर्देशक महेश मांजरेकर भी यहाँ दिखे। सलमान खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर भी हॉट अंदाज में फिल्म देखने पहुंची। वहीं फिल्म में अहम किरदार निभाने जा रहे आयुष शर्मा भी अपनी फैमिली के साथ और पत्नी अर्पिता के साथ स्क्रीन में पहुंचे। बॉबी देओल को भी स्क्रीनिंग में देखा गया। सुनील शेट्टी, नीलम कोठारी और उनके पति समीर सोनी भी स्क्रीनिंग में पहुंचे। अरबाज खान भी अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्जिया के साथ फिल्म देखने पहुंचे। इनके अलावा फिल्म निर्माता रमेश तौरानी, महिमा मकवाना, एकता कपूर, साजिद नाडियाडवाला, सुनील ग्रोवर, दिशा पटानी, अपार शक्ति खुराना, मनीष पॉल, अलवीरा खान, अतुल अग्निहोत्री, संगीता बिजलानी, वत्सल सेठ, हिमेश रेशमिया, सतीश कौशिक सहित कई अन्य लोग इस स्क्रीनिंग का हिस्सा बने। अब आज देखना काफी दिलचस्प होगा कि यह फिल्म फैंस के दिलों में राज कर पाती है या नहीं। फिल्म में सलमान खान और आयुष शर्मा फैंस का दिल जीतने में कामयाब रहते हैं या नहीं। INS रिपोर्ट।